सही या गलत ईद उल फितर मुसलमानों के पवित्र उपवास के महीने रमजान की शुरुआत में होता है ईद उल फितर दिस बुराई गॉड इज दैट इन रमजान इज अ पीरियड ऑफ फास्टिंग ऑफ फोर्टी डेज एंड एट द एंड ऑफ दैट फास्ट इंगी मीन स्टार्ट ऑफ फास्ट विदी

चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो अक्सर हम इंसान समझते हैं कि इल्म और तालीम सिर्फ स्कूल में हासिल की जा सकती है कॉलेज में हासिल की जा सकती है या यूनिवर्सिटी में हासिल की जा सकती है लेकिन इंसान का सबसे बेहतरीन दर्जगा सबसे बेहतरीन मदरसा है उसका अपना घर और सबसे बेहतरीन मदरसा है उसकी वालदा वालदा इंसान की सबसे बेहतरीन मदरसा है सबसे बेहतरीन टीचर है और वालदेन का फर्ज है के वो अपने बच्चों को सही तालीम दे हम आज दुनिया में दिखते हैं कि कई किस्म के माशरे हैं, कई किस्म के सोसाइटीज हैं। कुछ सोसाइटी इस्लामिक है कुछ सोसाइटी दिगर मजाहब की बुनियाद पे है कुछ लोग रह रहे हैं मगरबी माशरे में वेस्टर्न सोसाइटी में कुछ रह रहे ईस्टर्न सोसाइटी में मशर की माशरे में अल्लाह ताला फरमाते हैं सोरे में सोना नंबर पांच आयत नंबर तीन में कि आज मैंने तुम्हारा दिन मुकम्मल किया है और अपने एहसान इंसानियत पे कामिल किए अल्लाह ताला फरमाते मायदा में सोरा पांच आयत नंबर तीन में क्या इस दिन अल्लाह सुबह नाला ने हम इंसानों के लिए उनका दिन मुकम्मल किया दिन मुकम्मल होने के बाद कुछ भी नई चीज दिन में जोड़ी नहीं जा सकती कुछ भी निकाली नहीं जा सकती बेसिक बुनियादी बातों में से कुछ भी नई चीज जोड़ा नहीं जा सकता है कुछ भी निकाला नहीं जा सकता है। अल्लाह सुबहाना वाली ने चौदह सौ साल पहले हमारे दिन को मुकम्मल किया आप कोई भी माशरे में जी रहे हो चाहे वो मगरबी हो चाहे मशरकी हो अगर वो माशरे की बातें तहजीब अगर कुरान या हदीस के खिलाफ नहीं है कुरान या हदीस से टकराती नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है अगर आप उस पर अमल करते हो लेकिन अगर उस माशरे की कोई भी बात कुरान हदीस से टकराती है तो हम मुसलमानों के लिए उस पर अमल करना हराम है हम देखते हैं आज खसूस मगरबी माशरे में मगरबी तालीम के जरिए हम साइंस और टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अफसोस की बात है कि इखलाकी बातों में हम नीचे जा रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में मगरबी तरक्की कर रहे हैं लेकिन इखला की बातों में हम हक से दूर जा रहे हैं हम देखते हैं कि इस माशरे में शराब आम हो रही है ड्रग्स आम हो रहे हैं फैयाशी आम हो रही है बलात्कार आम हो रहे हैं हम देखते हैं कि इस माशरे में वेस्टर्न माशरे में लिबास कम पहना जा रहा है और जितना लिबास कम पहनते हैं उतना माशरा कहती है कि आप तरक्की कर रहे हैं यह अफसोस की बात है हमारे अखलाक गिरते जा रहे हैं इस्लाम लफ्ज सलाम से आता है जिसके मानिए अमन सलामती इस्लाम लफ्ज आता है से जिसके मानी मानिए अपनी जिंदगी अल्लाह सुबहाना व तला के अहकाम के मुताबिक बसर करना इस्लाम के मानिए अमन हासिल करना अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहमत के मुताबिक बसर करने के बाद और अगर माशरा इस्लाम के खिलाफ नहीं है हमें कोई हर्ज नहीं अगर आप उन चीजों पर अमल करते हैं लेकिन अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ है तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे शराबी बने हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट बने हमारे बच्चे जिना करने वाले बने हमारे बच्चे बलात्कार करने वाले बने अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है वो फितर में पैदा होता है फितर मतलब इंसान जब बच्चा पैदा होता है वो अल्लाह सुबहाना व त के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है फितर, ये इंसान की फितरत है कि वो अल्लाह का कहना माने उसके बाद बच्चे के वालदे बच्चे के बड़े बच्चे के टीचर हो सकता है कि उस इंसान को बहकाए और वो आग को पूछने लगे स्ती करने लगे और गलत राह पे जा सकते हैं लेकिन असल में हर इंसान जब पैदा होता है वो दिनुल फितर में पैदा होता है हर इंसान जब पैदा होता है वो मुसलमान बन के पैदा होता है अगर वालदेन उन्हें सही तरबियत देते हैं तो वो इस्लाम पे कायम रहता है वरना वालदेन के वजह से बड़ों के वजह से टीचर के वजह से वो भटक सकता है इसीलिए जब भी कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्ट या उर्दू में कहते हैं नो मुस्लिम ये नो मुस्लिम लफ्ज बिल्कुल गलत है नो मुस्लिम या कन्वर्ट बोलना गलत है सही लफ्ज अंग्रेजी में होगा रिवर्ट या उर्दू में मैं कहूँगा लौटा हुआ मुस्लिम क्योंकि हर इंसान पैदा होता है मुस्लिम फिर वो भगक के गैर मुस्लिम बनता है जब वो वापस सीधे राह पे आता है सही लफ्ज होना चाहिए लौटा हुआ मुस्लिम नौ मुस्लिम मतलब नया मुस्लिम या गलत लफ्ज है कन्वर्ट भी अंग्रेजी में गलत है रिवर्ट मतलब वो पहले सही रास्ते पे था फिर गलत रास्ते पे चल पड़ा फिर वापस से ही सही रास्ते पे आया इंग्लिश में कहेंगे रिवर्ट और उर्दू में मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं मैं कहूंगा लौटा हुआ मुस्लिम नौ मुस्लिम यह लफ्ज गलत है अल्लाह के फरमाते, जैसा मैंने कहा था सही हदीस में इब्ने माजा की हदीस नंबर 224 "तलबुल इल्मी चौबीस में तलबुलिल्मी मुस्लिम", इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज है चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो उसके लिए फ़र्ज है और वालदेन का फर्ज है कि वो सही तालीम अपने बच्चों को दे हमारी जिम्मेदारी है मैं अक्सर सवाल करता हूं और आज मैं नाजरीन से करना चाहता हूं मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हम हमारे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचने का सही वक्त कभी है बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचने का सही वक्त कभी है हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुस्तबिल में क्या बने क्या करे इल्म हासिल करने के बाद क्या बने क्या पढ़े सही वक्त कब है कब स्कूल में डालने के वक्त कभी कई लोग बिगड़ जवाब देते कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल से फारिग होने के बाद मैं मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगा क्या 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 बड़ा बन कि क्या बने क्या बने डॉक्टर इंजीनियर बने कुछ लोग कहते कि दसवीं के, के एग्जाम के पहले दो साल पहले मैं उन्हें ट्रेनिंग दूंगा तो आठवीं से मैं मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगा कुछ लोग कहते नहीं जब बच्चा स्कूल में दाखिल करूंगा मैं जब बच्चे के स्कूल के दाखिले पहले मैं उसको एक अच्छी स्कूल में डालूंगा ताकि मैं उसे अच्छी तालीम दे सकूँ एक शख्स ने मुझे कहा कि जब मेरा बच्चा पैदा होगा उस वक्त मैं उसके मुस्तबिल के बारे में सोचूंगा और मैं अक्सर ये तकरीर में कहता हूँ कि इस्लामिक वक्त सोचने के बारे में अपने बच्चों के मुस्तबिल के सोचने के बारे में सही वक्त है जब आप अपना हम सफर चुनते हैं जब आप अपना हम साथी चुनते हैं जब आप अपनी एहलिया चुनते हैं या आप अपना शोहर चुनते हैं ये सही वक्त है या आप कह सकते आखिरी वक्त अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचने का क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा एक क्रिकेटर बने तो आप कोशिश करेंगे क्या मैं क्रिकेटर से शादी करूं आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा एक गायक बने सिंगर बने तो आप एक ऐसा हम सफर चुनेंगे जो गाना जानता है हम सफर को चुनना बहुत अहम है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब आप अपना हम सफर चुनते हैं अपनी एहलिया या अपना शोहर तो इंसान चार चीजें देखता है उस हम सफर में एक है खूबसूरती दूसरा है दौलत तीसरा है अच्छा खानदान और चौथा है नेकी अच्छे अमाल और अल्लाह के रसूल फरमाते कि सबसे बेहतरीन इन चारों में से है नेक अमाल बाकी तीन भी आप देख सकते हैं लेकिन सबसे बेहतरीन है नेक अमाल अच्छे अमाल दीनदारी जब आप अपना हम सफर चुनते हैं वो सही वक्त है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में प्लान करने का जब हम इल्म हासिल करते हैं इल्म दो किस्म का होता है एक है दीनी इल्म और दूसरा है दुनियावी इल्म हर वालदेन का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को तालीम दे फर्ज है कि जो अहम दीनी इल्म है जो बुनियादी बातें दीन के बारे में हैं वो अपने बच्चों को सिखाए